गुड मॉर्निंग। बारिश हो रही है यार, मौसम तो अच्छा बना हुआ है, बारिश भी हो रही है, गर्मी हट गई। लेकिन आज ना एक छोटी सी दिक्कत हो गई है कि आज जाना था विद्यापीठ वाटर कलर वर्कशॉप के लिए। 3 दिन की वर्कशॉप है, लेकिन अभी तो मतलब लग नहीं रहा है कि जा पाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, एकदम काला काला सा मौसम हो रखा है। सी तो देखते हैं जा भी पाएंगे कि नहीं। तो मैं नहा चुकी हूँ और ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ, बस बाल बाल ठीक करने हैं और फिर निकलेंगे विद्यापीठ के लिए। जी हाँ, तय यही हुआ कि हम लोग को आज जाना है, इसलिए क्योंकि बाहर निकला है ये धूप। कौन बोल रहा था बारिश होगी? आप? Yes. पूरा दिन बारिश होगी ऐसा कहा गया था, लेकिन नहीं हो रही है, बहुत गंदी वाली धूप निकल आई है, तो कि जो कि बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो यस ऑफ कोर्स, क्या ही कर सकते हैं। मैं ले आई अपना नाश्ता, 2 पराठे, मेरी कॉफ़ी। हाँ, वैसे मैंने ये कप चेंज कर लिया, क्योंकि ना यार मेरा कप टूट गया था। और ये माँ बेटे कुछ ज़्यादा ही झूठा प्यार। हाँ, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद। yes. कितनी अच्छी लग रही है ना। hmm. काजल लगा के आई हो, क्या मार डालोगी, थोड़ा सा प्यार दे दो, क्या अचार डालोगी, वाह 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 वाह। हाय। हाँ जी, तो मैं निकल चुकी थी घर से, इश्ता आए थे मेरे को पिक करने के लिए, क्योंकि बस हम ही दोनों थे तो कोई और रहने का सवाल ही नहीं बनता है। तो या हम लोग कोशिश कर रहे थे टाइम से पहुंच जाए, और ये आ गए थे हम लोग कैंट की तरफ, ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा है, बनारस है ये। और ये रहा हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हमारी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे सिगरा चौराहा की तरफ, वहाँ पे हम लोग को मिलेगा। डिंग 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 डिंग, जल्दी आओ। ये था बीकॉम डिपार्टमेंट जो कि पास हुआ है, और बस आने ही वाला है। कोई भी कहीं से भी घुस जाता है, बनारस में गाड़ी चलाना इज़ अ ट्रिक। और ये आ गए हम लोग भारत माता मंदिर के साइड। मैं इशी, वो रहा भारत माता मंदिर। जी हाँ, बहुत ही मतलब कह लीजिए सुंदर जगह है, हमारा जो डिपार्टमेंट है बहुत ही सुंदर है। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पे ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के। ये है भारत माता मंदिर की सामने का जो गार्डन है, वो ये रहा बिल्डिंग। यहाँ पे नीचे जो पुराना प्राचीन भारत है उसका नक्शा बना हुआ है ज़मीन पर, बहुत ही सुंदर। और ये रहा हमारा डिपार्टमेंट। जी, लोटस के अलावा है, सुंदर लग रहा था। और ये रे इशिता। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा उम्दा आर्टिस्ट हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, सबसे बड़ी बात, बहुत ही प्यारे हैं वो। ये रहा हमारा विभाग, ऊपर अप्लाइड की क्लासेस चलती हैं, यहाँ नीचे पेंटिंग की। ये रही इशिता। खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम था, नीचे बैठक थी, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। ये रही प्रार्थना मैम। जी हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया, नाश्ते और खाने दोनों का इंतज़ाम था, पूरी सब्जी खा रहे थे हम लोग सुबह सुबह। ये रही इशी। नेहा मैम आ गई। यहाँ सभी वरिष्ठ गुरुजन मंचासीन थे। ये हैं हमारे प्रेम सर, इनसे हर बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब भी इनसे मुलाकात होती है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे थे जितने भी
प्रदेश के अलग अलग जगह से आर्टिस्ट आए थे, वाटर कलर आर्टिस्ट, उन लोग का इंट्रोडक्शन दे रहे थे सर। बताने की आवश्यकता नहीं है कि चित्रण करने वाले किसानों का समूह एक साथ एक छत के नीचे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन तो करेंगे, साथ में अपनी प्रतिभा से हमारे यहाँ के बच्चों को जो ट्रेनिंग करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, उसके लिए मैं तो कामना देता हूँ। फिर हम लोग को मिल गया था हमारा आईडी कार्ड जिस पे हम लोग का नाम लिखा हुआ था, और ये है परम पूज्य डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पटनायक जी की प्रतिमा, जिनका अनावरण थर्ड डे यानी कि जो लास्ट डे रहेगा उस दिन होगा। बस फिर इंट्रोडक्शन के बाद और खाना पीना खाने के बाद ये शुरू हो गया था सारे आर्टिस्ट लोग का डेमोन्स्ट्रेशन, और हम लोग खड़े हो गए थे अपने अपने स्पॉट पे, अपना अपना कैमरा पकड़ के फटाक फटाक से सारी चीज़ें सीखने के लिए जो 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 आर्टिस्ट आए थे वो लोग बता रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जहाँ आपको एक साथ अपने पूरे इंडिया के जो टॉप के वाटर कलर आर्टिस्ट रहते हैं उनको एक साथ देखने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच ओपी सर, आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच सुनील सर, आपकी वजह से, प्रेम सर, आप सबकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया कि हम लोग को इतना अच्छा अच्छा चांस मिला इतने अच्छे आर्टिस्ट लोग से मिलने का, उनसे इतना कुछ सीखने का। और ज़रा देखिए कैसे फटाफट हाथ चल रहे थे, कैसे फटाफट कलर सिलेक्शन हो रहा था, मतलब इंसान देखता रह जाए, मतलब वाव, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे। सब लोग अपना अपना पेंट, अपना अपना ब्रशेस, अपने पेपर लेके बैठे थे। एंड यस ऑफ कोर्स सुनील आर्ट गैलरी जो कि लंका पे है, बनारस वाले जितने भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं सब उनको जानते होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। वो हमेशा हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी ऐसे वर्कशॉप्स लगते हैं उसमें पेपर्स वही प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और देखिए ये जो सर आए थे झारखंड से, इन्होंने बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बनारस के गंगा आरती का जो फ़ोटो था, जो दृश्य था, वो इन्होंने तुरंत बना के हम लोग की आंखों के सामने रख दिया, और हम लोग बस देखते ही रह गए। जितने भी आर्टिस्ट आए हुए थे सभी लोगों ने अपने अपने वर्क का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अपनी टेक्निक्स बताई, अपना जो उनका अलग अलग तरीका है वो हम लोग से शेयर किया, एक एक कलर कैसे पिक करना है, एक एक स्ट्रोक कैसे चलाना है वो उन लोगों ने हम लोग को डिटेल में बताया, कब कौन से ब्रश का यूज़ करना है, कितना पानी यूज़ करना है, कब कौन सा कलर यूज़ करना है, किस कलर के बाद कौन सा कलर यूज़ करना है, एवरी सिंगल डिटेल। और देखिए देखते ही देखते इतनी सुंदर पेंटिंग बन के तैयार हो गई, और मतलब बस मन खुश हो गया था एकदम ये सब देख के। एंड तभी मेरा ध्यान गया ऊपर, ऊपर भी कुछ आर्टिस्ट काम कर रहे थे, और ऊपर आके देखा तो सर ने इतना प्यारा लैंडस्केप बनाया था, बंगाल का ट्राम थी, ऑटो था, और इतना सुंदर, इतना प्यारा चॉइस ऑफ कलर्स थे उनके। ये बंगाल से आर्टिस्ट आए थे, ये हैं वाइट शर्ट में वो आर्टिस्ट, और ये है उनकी पेंटिंग द आर्ट द आर्टिस्ट। और नीचे भी सब लोग अपना काम कर रहे थे, तो आज का दिन कुछ यूं ही बीता, सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, सब लोग देखिए कितने सुंदर पेंटिंग बना रहे, सब एक से एक आर्टिस्ट आए हुए थे। और फिर हम लोग
निकल गए थे अपने घर की ओर, मौसम भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था। आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, कल जो सीखा है उसको पेपर पे उतारेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।